मेरा वेनू, मेरा वेनू कितने प्यार से सो रहा है, आई के पास आ गया है। सही, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन कम से कम मेरी बात सुन लो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बाकी हमारे बच्चे को कोख देने के लिए इतना सब कुछ कर सकती है। उसने मेरे आंखों पर दोस्ती और सच्चाई की पट्टी बांध दी थी। मैंने तुम पर पहले विश्वास नहीं किया और तुम शुरुआत से यही कह रही थी कि पाखी कुछ गड़बड़ कर रही है। से प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लिया, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वीनू की कसम है सही, इससे ज्यादा मैं तुमसे क्या ही कह सकता हूं। आपको क्या लगता है मेरे लिए बहुत आसान था? नहीं, मैं आपको कितना समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बस हमारे बच्चे को लेके बाकी दीदी को दे दिया। मुझे नहीं पता तुम्हारी माफी पाने के लिए मैं क्या कहूं क्या करूं, बस इतना जानता हूं सही, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम पर पहले विश्वास नहीं किया, तुम्हारी बात नहीं मानी। आपको जो करना था आपने कर दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने आखिर दीदी की गिरफ्तारी में मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। नहीं सही, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी वजह से सच बाहर आया है सबके सामने। अगर तुम ये सच बाहर नहीं लाती ना सही, तो शायद मैं तुम दोनों को खो देता। तुम्हारी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है सही। सही, मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। मैंने तुम्हें वेनू से 15 दिन दूर रखा था ना, मैं भी दूर रहूंगा वेनू से। बिल्कुल नहीं, हमारा बच्चा अपने बाबा से दूर नहीं रहेगा, और ये बात बोलना तो बहुत दूर की बात है, आप कभी सोचिएगा भी मत। हमारे बेटे को अपनी आई और अपने बाबा का प्यार हमेशा मिलेगा। वीनू अपने आई से बहुत दिन दूर रहा है ना, लेकिन अब वीनू को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आपको मुझसे कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि जिसके मन में ऐसे बुरे बुरे इरादे थे ना, उसे आपकी आई ने बहुत दूर भेज दिया इस घर से। हाँ, वीनू अपने आई के पास ही रहेगा आज। कान्हा सो जा तेरा, मैडम
क्या बाई ना नेम का केला तरीका है? क्या किया है इसने? बड़ा ही अजीब सा केस है। इसने गैर कानूनी तरीके से अपने देवरानी के बच्चे को अपनी कोक दी और ऐसा करने के लिए इसने बहुत धोखाधड़ी और कांड किए। बोले तो इसको बच्चा चोर बोल सकते है? नहीं रे, बच्चा चोर कैसे बोलेंगे? सिंपल है ना मैडम। हे बगा, वो बच्चा इसका नहीं था, बराबर बराबर किसी और औरत का जिसका वो बच्चा था। उस औरत को किसी और औरत की कोक चाहिए थी बच्चा पालने के लिए। लेकिन उसने धोखा देके उसकी जगह ले ली ना। तो एक तरह से ये बच्चे की चोरी हुई ना मैडम। अरे लेकिन बच्चा तो उसने पेट में पाला ना। लेकिन बच्चे को चोरी करके अगर कोई उसे पालने लग जाए तो क्या इसका मतलब बच्चे की चोरी नहीं हुई? ये सब इसी की फांदेबाजी होगी। बच्चे को अपने कोख में इसीलिए इसने रखा होगा। तो इस हिसाब से थाली की नहीं ही बच्चा चोर। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इसने ये सब किया क्यों। मैंने जिसके लिए इतना सब किया आज वो ही मुझसे इतनी नफरत करता है। आज मेरी इन हरकतों ने मुझे कहां पहुंचा दिया। तुम्हारा वीनू तुम्हारे पास है। बहुत खुश हूँ। आपको पता है ये 15 दिन कितनी मुश्किलों से बीते हैं? मुझे तो लगा था कि मेरा बच्चा पाकी दीदी के पास ही रहेगा, पाकी दीदी ही वीनू को पालेंगी पोसेंगी। सच कह रही हूँ विराट, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मुझे खुली आंखों से वीनू दिखता था। लेकिन पापा की कृपा है, मेरा वीनू मेरे पास है ना। आई नहीं रही। एक बात बताओ, तुमने पाखी को अभी इसीलिए गिरफ्तार करवाया ना? क्योंकि उसने तुम्हें वीनू से दूर कर दिया था। तुम वीनू का इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी, इसीलिए तुमने पहले पाखी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की थी, है ना? एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई है विराट। क्या? खुद भराई पे पाखी दीदी ने मुझे चुनौती दी थी कि आप खुद वीनू को उनकी गोद में दे देंगे। क्या? तो ये बात तुमने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बता दी? क्योंकि पाखी दीदी ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वो अपनी बात से मुकर जाएंगी और मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वो ब्लैंक कागज पर साइन करने वाली बात के बाद सबको यही लगेगा कि मैं पाखी दीदी को परेशान करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर जिस दिन वीनू मेरे हाथ में आया, इस दुनिया में आया, मैंने पहली बार उसे अपने हाथों में उठाया, मुझे लगा मैं पुराने रिलेशन में सब मिटा दूंगी, सब भूल जाऊंगी। मैं एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। लेकिन फिर उन्होंने अपना वो जान देने का नाटक किया और आपने वीनू को उन्हें दे दिया। बाकी के जाल में फंस गया था मैं, उसके झूठ उसके फरेब को मैं सच मान बैठा था। फंस तो आप गए थे, तभी तो उनका ही हमारे वीनू को लेने का प्लान सफलतापूर्वक पूरा हो गया। मेरे लिए ये सब अभी भी हजम कर पाना बहुत मुश्किल है। सही, पाखी ने इतना बड़ा जाल बुना और मैं उसमें फंसता चला गया बेवकूफों की तरह। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें सब कुछ अकेले बर्दाश्त करना पड़ा। नहीं विराट, पाखी दीदी ने आपके और घर वालों के सामने एक अलग ही मुखौटा पहना हुआ था, आपको उनकी सच्चाई नजर आती भी तो कैसे? और मैंने खुद वीनू के जन्म के बाद सब कुछ भुलाने का सोच लिया था। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन फिर पाखी दीदी ने मुझसे मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश की। अपना मेरा दिमाग खराब हो गया, पानी सर से इतना ऊपर चला गया। तब मैंने सोच लिया कि पहले मैं उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करूंगी, फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज करूंगी। इस बार मैं कोई भी ढील नहीं बरतना चाहती थी। मुझे पहले ही तुम पर भरोसा कर लेना चाहिए था।
और जैन सर, एसीपी विराट चौहान, आप तुरंत डीएम ऑफिस में रिपोर्ट कीजिए। जी सर। डीएम सर का फोन था, तुरंत ऑफिस में बुला रहा। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है? पता नहीं, हो सकता है ये पाखे के बारे में हो।